Hi my beauties, welcome back to my channel and welcome back to today's video. I hope you all are doing good. So, आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये आई मेकअप शेयर करने वाली हूँ जो कि आई वुड लव टू वेयर ड्यूरिंग समर्स. एक सनसेट आई मेकअप लुक मैंने ट्राई किया है एंड या इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू अचीव दिस लुक देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. सो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद माई ब्राउज और ब्राउज के लिए यहाँ पर मैंने ये लिया है म्यूज़िक फ्लावर का जेल आई लाइनर इन द शेड ब्राउन एंड या दिस इज़ अ जेल आई लाइनर बट इट इक्वली वर्क्स एज अ ब्राउ परमेड फॉर ब्राउज. आप इसको ब्राउज के को फिल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो और क्योंकि ये ब्राउन शेड में है सो दिस वॉज अ परफेक्ट मैच फॉर माई ब्राउज. और मैंने पहले भी बताया है कि ब्राउज पर हमेशा एक शेड लाइट अप्लाई करना चाहिए एक नेचुरल फिनिश देने के लिए. अगर आप एक ब्लैक कलर अप्लाई करोगे तो वो अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ही ओवरडन लगता है. एंड या इस तरह से मैंने अपनी ब्राउज फिल कर ली है और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये कफ्स एंड लैशेस का कवर पॉट इन द शेड 03. ये कंसीलर है और इसको मैंने अपनी आईलिड्स पर अप्लाई किया है टू गिव दैट परफेक्ट कैनवास. और इससे पहले मैं अपनी जो ब्राउज हैं उनको क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद इसको अपनी पूरी आईलिड्स पर अप्लाई कर लूँगी. अब यहाँ पर मैं ये मार्स पैलेट ले रही हूँ और यहाँ से ये लाइट शेड ले रही हूँ जो कि जिससे मैं अपने आईलिड्स को सेट करूँगी. जो भी कंसीलर मैंने अप्लाई किया है उसको मैंने सेट कर लिया है एंड नाउ टेकिंग दिस ऑरेंज शेड इसको मैं सिर्फ अपनी जो मेरी नेचुरल क्रीज है वहाँ तक अप्लाई करूँगी बिकॉज आई हैव हुडेड आईज़. तो मुझे एक नई क्रीज बनानी पड़ेगी टू गिव दैट फुलर इफेक्ट ऑन माय आईज़ ताकि जब मैं अपनी आईज़ ओपन करूं तब भी शेड्स दिखाई दें. तो उसके लिए मुझे एक फेक क्रीज क्रिएट करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले मैंने सिर्फ जो मेरी नेचुरल क्रीज है वहां तक मैंने ये शेड अपना अप्लाई किया है. और एक ट्रिक छोटी सी है, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि आपके जो आई शेडोज़ हैं वो लाइन से या वो नॉर्मल रेंज से बाहर आते हैं तो इस तरह से आप एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ इससे आगे मुझे नहीं जाना है. अब ये येलो कलर लेकर मैं जो भी मैंने ऑरेंज शेड अप्लाई किया था उसको ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी और इस येलो कलर से मैं एक फेक क्रीज या आप कहें एक नई क्रीज क्रिएट करना शुरू करूँगी और इस तरह से मैं इसको हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करूँगी. और क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की है उससे आगे मुझे नहीं जाना है तो दिस विल हेल्प इन ब्लेंडिंग बोथ द कलर्स एंड यू कैन सी कि मैं उस लाइन से आगे नहीं जा रही हूँ और एक परफेक्ट शेप आ रहा है मेरे आई शेडोज़ में. अब ये ब्लैक शेड लेकर मैं अपने आउटर वी पर इसको अप्लाई करूँगी टू गिव दैट 3D इफ़ेक्ट. और अभी तो मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट लिया है बिकॉज एक शेप जब तक क्रिएट नहीं हो जाता मैं ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करती हूँ बिकॉज कम प्रोडक्ट के साथ आप काम कर सकते हो बट एक बार आपने ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई कर दिया तो उसको ठीक करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है. सो अभी आई एम ब्लेंडिंग दिस और उसके बाद थोड़ा सा और डीपन आउट करूँगी मैं इसको और इस तरह से ब्लेंड कर लिया है मैंने. और अब फिर ये एक येलो शेड जो पहले अप्लाई किया था मैंने अपनी क्रीज पर उसी सेम ब्रश से फिर से मैं अपनी क्रीज को ब्लेंड कर रही हूँ. अब ये शिमरी ऑरेंज शेड लेकर मैं अपने आईलिड्स पर अप्लाई करूँगी जहाँ पर भी मैंने ऑरेंज शेड अप्लाई किया था इस तरह से.
एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दिस शेड्स आर लुकिंग। और अब फॉर द कोल पेंसिल यहाँ पर मैंने यूज़ किया है मैक कॉस्मेटिक्स की कोल पेंसिल। इसको मैं अपनी अपर और लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी। अपर वाटर लाइन पर अप्लाई करने का मेन मोटिव होता है ताकि जब आप आई लाइनर अप्लाई करो तो जो भी नेकेड स्किन है वो दिखाई ना दे। और अब ये ब्राउन शेड लेकर इसको मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी और थोड़ा सा स्मोक आउट करूँगी ताकि मेरी आईलेट्स और लोअर वाटर लाइन दोनों एक साथ मैच हों। अब आईलाइनर के लिए यहाँ पर मैंने ब्लू हेवन का लिक्विड आईलाइनर लिया है और एक बहुत ही थिन विंग क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पर अपनी लैश लाइन से बिल्कुल टच करते हुए। एंड गाइज, आईलाइनर नीड्स प्रैक्टिस, सो डोंट गेट डिसहार्टन अगर पहले एक दो बार आपका आईलाइनर नहीं ठीक से अप्लाई हो रहा है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस टिल यू अचीव द परफेक्ट लुक। और अब ये ब्लैक और ऑरेंज ग्लिटरी शेड लेकर इसको मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा मेरी जो लोअर लैश लाइन है वो भी ग्लिटरी शो हो। और अब ये गोल्डन कलर से इसको मैं अपने टियर डक्ट पर अप्लाई कर रही हूँ। And now for mascara, I'm using my favorite mascara. This is by Maybelline Hyper Lash Mascara. और इसको मैंने अपनी अपर और लोअर लैशेस पर अप्लाई किया है। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप लैशेस नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो गो विद दिस मस्कारा और आपकी लैशेस को फॉल्स आई लैशेस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। And this is the final look. ये इतना इजी और इतना क्विक है कि आप इसको किसी भी ओकेजन पर किसी भी फंक्शन पर क्रिएट कर सकते हो। एंड या अगर आपको ये लुक पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव विजिटेड माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।